सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले जब तुम पार्टी बनाते हो जी, तो दिस वाउचर पेगा सेल करते हुए, सपोज तुमने एक पार्टी बनाई मिस्टर नटवरलाल, है ना, नटवरलाल को ही माल बेचा बैटर। अब ये देखो, ये हम अभी तक क्या कर देते थे, छोड़ के निकल लेते थे, अब हमको छोड़ के नहीं निकलना। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, पहली बात तो ये टैली पूछ रही है कि बिल बाई बिल हिसाब रखोगे तभी तो मुझे पता लगेगा कि पेमेंट आ रही है, तो ये कौन से बिल की पेमेंट आ रही है, ठीक है, बिल बाई बिल रखेंगे, है ना। उसके बाद दूसरा है डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कितने दिन की उधारी पे माल बेचना है, तो सपोज 15 दिन की उधारी है। चेक क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, अभी भी इसके अंदर सारे फीचर इनेबल नहीं है, पहले इंटरेस्ट कैलकुलेशन को इनेबल करो। हाँ ना, ऑफ है ना बेटा, शाबाश। ऐसे में इसका मतलब ये हुआ कि मैंने इसको कर रखा है। कंपनी फीचर नटवरलाल ऑफ है सर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन हमने की, यस ठीक है, बाहर आ जाओ। अब चलो डिस्प्ले अकाउंट लेजर सेल्स, बात कर रहे थे हम मिस्टर नटवरलाल की, नटवरलाल, नटवरलाल का लेजर फिर से। चलो अब पूछ रहा है क्या इन महाराष्ट्र पे ब्याज लगानी है, लगानी है, यस। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन, यस। ओवरराइड पैरामीटर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, ये है कि अगर आपने एक बार कोई सेटिंग कर दी और आपको वहां पर चेंज करनी पड़े तो क्या आपको चेंज के राइट मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। फॉर अमाउंट एडेड, फॉर अमाउंट डिडक्टेड, क्या दोनों पे ब्याज लगानी है, अगर उसका पैसा एडवांस आ रखा है तो उस पे भी लगनी चाहिए, इस पे तो लगाओ ही लगाओ, डिडक्टेड तो भले मत लगाओ, हमने कहा था 1.5% पर मंथ, और महीने का 30 दिन का महीना या कैलेंडर मंथ लेना है। ऑल बैलेंस ये काम हमने कर दिया, नटवरलाल को माल बेच दो, देखो 10-20-50 हजार का माल बेच के दो, 1 मार्च को माल बेचो, कुछ भी बेचो, CGST SGST अभी आपसे पूछ रहा है रेफरेंस, तो देखो इसमें अब तक हम करते थे ऑन अकाउंट, अब मत करना ये गलती, अब रेफरेंस के थ्रू ही चलना। पहला बिल, ठीक है, 3 नंबर बिल हम इसके नाम पे काट रहे हैं, बिल बाय बिल, इंटरेस्ट 1.5%, कैलेंडर मंथ के हिसाब से, ऑल बैलेंस ये मैंने कर दिया, यस ठीक है, सेल हो गई नटवरलाल को। अब टैली में कर दो डेट चेंज, ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू पेबल, ओवरड्यू रिसीवेबल नटवरलाल, कौन सी डेट पे देख रहे हैं बेटा हम, 31 मार्च पे, ठीक है। नटवरलाल को कितने दिन का टाइम दिया था, 15 दिन का, कब बेचा था, 1 मार्च को, 16 तारीख को पैसा ड्यू हो गया, टैली कितने दिन का ड्यू दिखा रही है नटवरलाल पे, अभी हमने ब्याज नहीं देखा, सिर्फ ये देखा कि किस पे पैसे ड्यू हैं और कितने दिन से ड्यू है, ठीक है, खाली अभी यहाँ दिखाएगा, अभी हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सीखेंगे, उसके लिए उन्होंने अलग रखा, जीएसटी जॉब स्टेटमेंट इन्वेंटरी स्टेटमेंट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल 31 मार्च, टैली दिखा रही है 1770 रुपए का ब्याज ड्यू है नेटवर्क लाल पे, 1,18,000 रुपए
1770 रुपए। आ गया, लेकिन उसने पूरे महीने का ठोक दिया, 15 दिन के हिसाब से नहीं चल रही है टैली, क्योंकि हमने कैलेंडर मंथ लिया था। ब्याज ठुकेगी तो पूरे महीने की ठुकेगी, ठीक है। 1770 रुपए की क्या हो गई, ठुक गई। अब हमने सपोज करो नटवरलाल बोले भाई साहब तुम्हारा मीटर तो चालू हो गया, लो अपने पैसे पकड़ो तुम। अब हमको क्या करना है, ऑटोमेटिकली इस इंटरेस्ट की एंट्री आनी चाहिए टैली के अंदर। अब टैली में एंट्री कैसे आएगी, हमें कैलकुलेशन कुछ भी खुद नहीं करनी है। अब उसके लिए हमें क्या करना है, टैली में हमें दो वाउचर बनानी है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, अच्छा दोनों में आओ। क्रेडिट नोट इसमें क्लास बनानी है हमें, सब कुछ ठीक है, ऑटोमेटिक ही रखना है। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग डिफॉल्ट ज्यूरिडिक्शन, यहां पर नेम ऑफ क्लास, हमको एक क्लास बनानी है इंटरेस्ट, ठीक है, क्रेडिट नोट में, ठीक है। यूज क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको किया, यस। अमाउंट टू बी ट्रीटेड एज कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को नो कर दो, ठीक है। ब्याज के ऊपर ब्याज हमको नहीं चलानी, इतना बड़ा ब्याज को नहीं, ठीक है। उसके बाद डेबिट नोट पे भी सेम यही हमको कैलकुलेशन करनी है। अच्छा सेम यही डेबिट नोट पे, एक पे देने के लिए एक पे लेने के लिए, ठीक है। डेबिट नोट पे भी कर दी, ठीक हो गया। अब चलो बाहर, अब आओ वाउचर पे, ठीक है। ठीक है, वाउचर में डेबिट नोट की डायरेक्ट एंट्री मत मारना, यहाँ जाओगे और देखो डेबिट नोट में दो डेबिट नोट होंगे, एक ये वाला होगा और एक ये वाला होगा। जब सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का मामला हो तब तो ये वाले डेबिट नोट लोगे जी। और जब इंटरेस्ट का मामला हो तो ये वाले डेबिट नोट क्रेडिट नोट लोगे। अब मामला सेल का है, कुछ करना पड़ रहा है क्या, नहीं। सब कुछ चल रहा है, खाली डेट ले लो सही अपनी, जय राम जी की। अब ये ब्याज तुम्हारे लिए क्या है, इनकम है, इनकम नटवरलाल डेबिट, न्यू रेफरेंस 1.5% ब्याज 30 दिन की, क्रेडिट का एक बार लेजर बना लो, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। अंडर यो जी ये भी बना हुआ है पहले से, भगवान की मतलब सियापति रामचंद्र की, एंट्री पढ़ गई। नेटवर्क लाल का लेजर खोल के देंगे, देखेंगे जब डिस्प्ले अकाउंट लेजर, दाल पकाई, नेटवर्क लाल लेजर आ गया। महाराज 118,000 का माल बेचे, 1770 रुपए का ब्याज पड़ गई, जरा 119,770 रुपए का चेक बना के दिखाओ, तुम्हारे हाथ का बना चेक कैसा लगेगा। जैसे ही पेमेंट आए रिसिप्ट वाउचर में डालो, छुट्टी ब्याज भी देंगे।